Excelencia Narendra Modi, primer ministro de la República de India. Tengo el gran placer de dar la bienvenida al señor primer ministro de la India, a quien invito a dirigirse a la Asamblea General. नमस्कार माननीय अध्यक्ष महोदय, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र को 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से संबोधित करना मेरे लिए गौरव का अवसर है। ये अवसर इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस वर्ष पूरा विश्व महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा है। सत्य और अहिंसा का उनका संदेश विश्व की शांति, प्रगति और विकास के लिए आज भी प्रासंगिक है। अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव हुआ। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों ने वोट देकर मुझे और मेरी सरकार को पहले से ज्यादा मजबूत जनादेश दिया और इस जनादेश की वजह से ही आज फिर मैं यहां आप सबके बीच हूं। लेकिन इस जनादेश से निकला संदेश इससे भी ज्यादा बड़ा है, ज्यादा व्यापक है और ज्यादा प्रेरक है। अध्यक्ष महोदय, जब एक विकासशील देश दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान सफलतापूर्वक संपन्न करता है, सिर्फ 5 साल में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर अपने देशवासियों को देता है, तो उसके साथ बनी व्यवस्थाएं पूरी दुनिया को एक प्रेरक संदेश देती है। जब एक विकासशील देश दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम सफलतापूर्वक चलाता है, 50 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देता है, तो उसके साथ बनी संवेदनशील व्यवस्था पूरी दुनिया को एक नया मार्ग दिखाती है। जब एक विकासशील देश दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाता है, सिर्फ 5 साल में 37 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक खाते खोलता है, तो उसके साथ बनी व्यवस्थाएं पूरी दुनिया के गरीबों में एक विश्वास पैदा करती हैं। जब एक विकासशील देश अपने नागरिकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम चलाता है, उनको बायोमेट्रिक पहचान देता है, उनका हक पक्का करता है, भ्रष्टाचार को रोककर करीब $20 बिलियन से ज्यादा बचाता है, तो उसके साथ बनी आधुनिक व्यवस्थाएं पूरी दुनिया के लिए एक नई उम्मीद बनकर के आती है। अध्यक्ष महोदय, मैंने यहां आते वक्त संयुक्त राष्ट्र की इमारत की दीवार पर पढ़ा, नो मोर सिंगल यूज प्लास्टिक। मुझे इस सभा को बताते हुए खुशी हो रही है कि आज जब मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, तब इस वक्त
आज भी हम पूरे भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। आने वाले 5 वर्षों में हम जल संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही 15 करोड़ घरों को पानी की सप्लाई से जोड़ने वाले हैं। आने वाले 5 वर्षों में हम अपने दूर दराज के गांवों में 1.25 लाख किलोमीटर से ज्यादा नई सड़कें बनाने जा रहे हैं। वर्ष 2022 जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष का पर्व मनाएगा, तब तक हम गरीबों के लिए 2 करोड़ और घरों का निर्माण करने वाले हैं। विश्व ने भले ही टीबी से मुक्ति के लिए वर्ष 2030 तक का समय रखा हो, लेकिन हम 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने के लिए काम कर रहे हैं। 1 सवाल यह है कि आखिर ये सब हम कैसे कर पा रहे हैं? आखिर नए भारत में बदलाव तेजी से कैसे आ रहा है? अध्यक्ष महोदय, भारत हजारों वर्ष पुरानी एक महान संस्कृति है, जिसकी अपनी जीवंत परंपराएं हैं, जो वैश्विक सपनों को अपने में समेटे हुए हैं। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति जीव में शिव देखती है, इसलिए हमारा प्राण तत्व है कि जन भागीदारी से जन कल्याण, और ये जन कल्याण भी सिर्फ भारत के लिए नहीं, जग कल्याण के लिए हो। जन कल्याण से जग कल्याण, और तभी तो हमारी प्रेरणा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ये सिर्फ भारत की सीमाओं में सीमित नहीं है। हमारा परिश्रम न तो दया भाव है और न ही दिखावा, ये सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य भाव से प्रेरित है। हमारे प्रयास 130 करोड़ भारतीयों को केंद्र में रखकर हो रहे हैं, लेकिन ये प्रयास जिन सपनों के लिए हो रहे हैं वो सारे विश्व के हैं, हर देश के हैं, हर समाज के हैं। प्रयास हमारे हैं, परिणाम सभी के लिए है, सारे संसार के लिए है। मेरा ये विश्वास दिनों दिन तब और भी दृढ़ हो जाता है जब मैं उन देशों के बारे में सोचता हूं जो विकास की यात्रा में भारत की तरह ही अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। जब मैं उन देशों के सुख दुख सुनता हूं, उनके सपनों से परिचित होता हूं, तब मेरा ये संकल्प और भी पक्का हो जाता है कि मैं अपने देश का विकास और भी तेज गति से करूं, जिससे भारत के अनुभव उन देशों को भी काम आ सके। अध्यक्ष महोदय, आज से 3000 वर्ष पूर्व भारत के महान कवि
कणियन पुंगुन रनार उन्होंने विश्व की प्राचीनतम भाषा तमिल में कहा था, यादम उरे यावरुम केडीर, यानी हम सभी स्थानों के लिए अपनेपन का भाव रखते हैं और सभी लोग हमारे अपने हैं। और ये 3000 साल पहले की बात कर रहा हूं। देश की सीमाओं से परे अपनत्व की यही भावना भारत भूमि की विशेषता है। भारत ने बीते 5 वर्षों में सदियों से चली आ रही विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण की उस महान परंपरा को मजबूत करने का काम किया है, जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का भी ध्येय रही है। भारत जिन विषयों को उठा रहा है, जिन नए वैश्विक मंचों के निर्माण के लिए भारत आगे आया है, उसका आधार वैश्विक चुनौतियां है, वैश्विक विषय है और गंभीर समस्याओं के समाधान का सामूहिक प्रयास है। अध्यक्ष महोदय, अगर इतिहास और पर कैपिटा एमिशन के नजरिए से देखें तो ग्लोबल वार्मिंग में भारत का योगदान बहुत ही कम रहा है, लेकिन इसके समाधान के लिए कदम उठाने वालों में भारत एक अग्रणी देश है। एक और तो हम भारत में 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्थापित करने की पहल भी की है। ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रभाव ये भी है कि नेचुरल डिजास्टर्स की संख्या और उनकी तीव्रता तो बढ़ती ही जा रही है, उनका दायरा और उनके नए नए स्वरूप भी सामने आ रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए ही भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI बनाने की पहल की है। दुनिया के देशों को इससे जोड़ने के लिए मैं निमंत्रण देता हूं। इससे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद मिलेगी जिन पर प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव कम से कम होगा। अध्यक्ष महोदय, यूएन पीसकीपिंग मिशंस में सबसे बड़ा बलिदान अगर किसी देश ने दिया है तो वो देश भारत है। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। और इसलिए हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। हम मानते हैं कि ये किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की और मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। आतंक के नाम पर बटी हुई दुनिया उन सिद्धांतों को ठेस पहुंचाती है
जिनके आधार पर यूएन का जन्म हुआ है और इसलिए मानवता की खातिर आतंक के खिलाफ पूरे विश्व का एकमत होना, एकजुट होना मैं अनिवार्य समझता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज विश्व का स्वरूप बदल रहा है। 21वीं सदी की आधुनिक टेक्नोलॉजी, समाज जीवन, निजी जीवन, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सामूहिक परिवर्तन ला रही है। इन परिस्थितियों में एक बिखरी हुई दुनिया किसी के हित में नहीं है, ना ही हम सभी के पास अपनी अपनी सीमाओं के भीतर सिमट जाने का विकल्प है। इस नए दौर में हमें मल्टीलेटरलिज्म और संयुक्त राष्ट्र को नई शक्ति, नई दिशा देनी ही होगी। अध्यक्ष महोदय, 125 साल पहले भारत के महान आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के दौरान विश्व को एक संदेश दिया था। ये संदेश था, हार्मनी एंड पीस एंड नॉट डिसेंशन। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का आज भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यही संदेश है, हार्मनी एंड पीस। बहुत बहुत धन्यवाद। En nombre de la Asamblea General, agradezco al señor primer ministro de la República de la India por la declaración que acaba de señalar. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia.